हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन सॉफ्ट मेकअप ट्यूटोरियल। ये डे टाइम मेकअप ट्यूटोरियल है। आप इसको राखी में इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत इजी है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इजी है ये तो। और मैं ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट भी नहीं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत कम प्रोडक्ट से ये मेकअप लुक की हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एरोमा मैजिक का टोनर यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप मेकअप करें उससे पहले आपका स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो नाइट टाइम हो या डे टाइम हो, जब भी हो। तो मैंने टोनर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं NYBA का मिल्क प्रोटीन सीरम फेस सीरम यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने पूरे फेस में अच्छे तरीके से लगा लिया है। ये भी बहुत अच्छा है, आपके फेस में अगर डार्क स्पॉट है तो इसको ये कमाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद मैं गुड वाइब्स का रोज़ ये फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा ऑयली नहीं करता आपके फेस को, बहुत ही कम ऑयली करता है। मतलब आप यूज़ कर सकते हो समर में भी। अब मैंने यहाँ सनस्क्रीन भी अप्लाई किया लेकिन मैं वहाँ वीडियो में दिखाना भूल गई। उसके बाद मैं NYBA का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर यूज़ करने से आपके जितने भी ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स रहते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाता है। उसके बाद आप जो भी फाउंडेशन हो, BB क्रीम हो, CC क्रीम हो, जो भी यूज़ करते हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है। उसके बाद मैं गार्नियर का BB क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपने हैंड पे लेके पूरे फेस में अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम लेके ब्लेंड करना है। ये बहुत ही ये हाई कवरेज नहीं है, बहुत ही मीडियम टू लो कवरेज BB क्रीम है। अब BB क्रीम, CC क्रीम ऐसे ज़्यादा कवरेज देता भी नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYBA का कंसीलर, उसके साथ डार्लिंग इज़ाबेला का एक कंसीलर, क्योंकि NYBA का जो कंसीलर है वो मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइट है और डार्लिंग इज़ाबेला का जो है वो मेरे स्किन पे थोड़ा डार्क है। तो मैं फेंक तो नहीं सकती दोनों को ही, तो मैं दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ यूज़ कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से। जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है मैं वहाँ वहाँ इसे यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो कंसीलर यूज़ कर सकते हो, अगर आप कंसीलर यूज़ करना नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैं यह यूज़ कर रही हूँ। और घर पे रहो या बाहर जाओ, आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है ताकि हम लोग के स्किन को कोई भी हार्म ना पहुँचे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सनस्क्रीन ज़रूर आप यूज़ करो, घर में रहो या बाहर जाओ, क्योंकि ये डे टाइम लुक है। इसीलिए अच्छे तरीके से मैं पूरा ब्लेंड कर ले रही हूँ। अपने नेक को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं स्टे कोएकी का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड नंबर है 1। इसको जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ मैं सबसे फर्स्ट इसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी। देख सकते हैं ये पाउडर बहुत ही अच्छा पाउडर है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ पूरे फेस में अप्लाई कर लूँ। पहले मैं अंडर आईज एंड नोज़ में मैं अप्लाई की हूँ, उसके बाद पूरे फेस में मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं हिलारी रोडा का ये आई शेडो पैलेट लेके इसमें से लाइट पर्पल शेड लेके अपने पूरे आईलिड में अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं बहुत ही कम आई शेडो यूज़ करूँगी, बस दो ही कलर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं वो पर्पल शेड लेके पूरे आईलिड पे एंड क्रीज में मैं पूरे अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये डार्क पर्पल शेड लेके अपने आउटर वी से लेके अपने क्रीज को ब्लेंड करूँगी।
क्योंकि सिर्फ एक कलर बहुत अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ बस दो ही कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेकअप लुक आप बकरीद आ रहा है, बकरीद में भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट है। ऐसे मैंने बकरीद मेकअप लुक एक शेयर किया है, अगर आप चाहो तो ये भी क्रिएट कर सकते हो। और बकरीद मेकअप लुक जो मैंने शेयर किया है वो भी आप राखी में क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं दोनों कलर लेके अपने लोअर वाटर लाइन में लेस लाइन के नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ, देख सक रहे हैं। और जो आई शेडो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिएगा जब भी आई शेडो लगाइएगा। उसके बाद मैं स्पूली ले रही हूँ, स्पूली के हेल्प से अपने आईब्रो को मैं कोम कर ले रही हूँ। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द ईयर पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड लेके मैं अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। आपको को जो भी आई शेड है उसमें अगर डार्क ब्राउन शेड है आप वो भी उसी को यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसी से मेकअप क्रिएट करें, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसको यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ स्पूली से फिर से एक बार कॉम कर रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ स्टे क्विकी का काजल लेके अपने आईलिड सॉरी अपर आईलिड में मैं अप्लाई कर रही हूँ, और उसको मैं फ्लैट ब्रश लेके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं यहाँ आईलाइनर ले नहीं लगा रही हूँ, उसके बदले में मैं काजल लगा के मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन में एंड अपर वाटर लाइन में मैं काजल अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइट आइस मस्कारा लेके अपने आईलैस में अपर आईलैस एंड लोअर आईलैस में अप्लाई कर ले रही हूँ। ये आई मस्कारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप बिगनर्स हो तो आप ज़रूर एक बार इस मस्कारा को ट्राई करो, ये अफोर्डेबल प्राइस में भी है और बहुत ही अच्छा मस्कारा है। आप इसे यूज़ करोगे तो आप मेवलिन का भी मस्कारा भूल जाओगे। उसके बाद मैं मिस रोज़ का पैलेट से ये लाइट कोरली सा पिंक शेड है इसको लेके मैं अपने चेक्स में अप्लाई कर ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, देख सकते हैं आप। मैं दोनों चेक्स में अप्लाई कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अपने नोज़ में और चिन में भी अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही नेचुरल लुक आता है इससे, मैं हर वीडियो में ही अपने नोज़ में और चिन में यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम हाइलाइटर लेके अपने चीक्स बोन में, नोज़ में, क्यूपिड बो, चिन में, फोरहेड में, फिर आईब्रो बोन में मैं इसे यूज़ कर लगा ले रही हूँ। ये थोड़ा सा पिंकिस ग्लो देता है, पिंक पिंक टाइप का हाइलाइटर है तो बहुत ही अच्छे मुझे पसंद है। गोल्डन सिल्वर इससे मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद है, बस ये कलर सब जैसे भी स्किन टोन के आप हो सब में ये अच्छे तरीके से चला जाता है। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करो, ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है और देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्लो देता है ये। उसके बाद मैं पर्पल का मिनी लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मेरा शेड है माय फर्स्ट हुकअप। इसको मैं अपने लिप्स में अप्लाई कर ले रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा शेड है ये, डार्क मरून रेड काइंड ऑफ शेड है। बहुत ही अच्छा लगता है, देखिए आप, ये भी सब स्किन टोन में अच्छे तरीके से चला जाएगा। उसके बाद मैं फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ये सेटिंग स्प्रे भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये था आज का फाइनल लुक रक्षाबंधन सॉफ्ट
मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप ये लुक क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग कीजिएगा, और कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मैं कैसे समझूंगी आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।